हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 142। ये हिंदी की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और डेट है 28 दिसंबर 2020। रचनात्मक लेखन। बच्चों, आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। तो आज हमें एक कहानी बनानी है बच्चों, इन चित्रों के अनुसार। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, इन्हें देखकर हम एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कहानी से संबंधित पात्रों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ शब्द, कुछ वाक्यांश और मुहावरे भी दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। तो देखिए बच्चों, चित्रों के अनुसार कहानी बनाएंगे। चित्र दे रखे हैं ना, इन्हें देखकर, ठीक है। कहानी को नाम देना है, शीर्षक देना है, यानी कहानी किस टॉपिक के ऊपर है उससे आप उसका नाम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, अभी हम कहानी बनाएंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है कहानी के से रिलेटेड, उसको जान लेते हैं। जैसे पात्र, देखिए पात्र का मतलब है कहानी में जो जो लोग हैं उनके नाम। अब इन नामों को आपको कहानी में यूज करना है। जैसे निगार, बुआ, साहिल, मिनी। चलिए हम निगार इस लड़की को मान लेते हैं, बुआ इनको मान लेते हैं, साहिल इस लड़के को, मिनी इस छोटी सी लड़की को, ठीक है। इस तरीके से आपको इन नामों को यूज करना है। हमने मान लिया है, हमने मान लिया निगार ये लड़की है, बुआ ये है, साहिल ये है और मिनी ये है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे परात, आलू, चकला, बेलन, पापड़, चारपाई। और वाक्यांश यानी कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनका भी हम कहानी में यूज कर सकते हैं। आलू उबालकर मसलना, पीठी या लोई बनाना, पापड़ बेलना, मिलकर काम करना। मुहावरे, अंगूठा दिखाना, जी जान लगाना, अंग अंग फूलेना समाना। तो इन सारे चीजों का हम अपनी कहानी में यूज कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, हमें अपनी कहानी में अपने शब्द भी जोड़ने हैं, जैसे ऊपर लिखा है ना, कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। तो अपने शब्दों को जोड़कर और इनमें से कुछ चीजें लेकर हम कहानी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ ये सारे पापड़ के लिए तैयार हो गए हैं और पापड़ बना रहे हैं। यहाँ ये इनको मसल रही हैं, बुआ और निगार। यहाँ पर साहिल जो है पापड़ बेल रहा है और यहाँ पर ये सारे चारपाई पर इसको डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये चित्र देखे। अब इससे हमें कहानी बनानी है इन चित्रों को देखकर। तो चलिए एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं इन सारे शब्दों का प्रयोग करकर। आप अपने तरीके से बना सकते हैं, मैंने भी एक छोटी सी कहानी बनाई है, तो चलिए उसे देखते हैं। ये रहा कहानी का शीर्षक, आओ बनाएं स्वादिष्ट पापड़। ये कहानी का टाइटल है बच्चों, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कहानी का टाइटल। और ये रही छोटी सी कहानी। परात में उबले आलू रखे हैं, निगार और बुआ ने आलू उबालकर उनको छील और मसल लिया है, साहिल ने जी जान लगाकर चकला बेलन की मदद से पापड़ बेलकर तैयार कर लिए हैं। अबुआ और साहिल ने पापड़ चारपाई पर चारों ओर फैला दिए हैं और सबने मिलकर स्वादिष्ट पापड़ बना लिए हैं। पापड़ बनने के बाद बच्चे फूले ना समाए। तो इस तरीके से छोटी सी कहानी मैंने यहाँ पर लिख दी है बच्चों। इस कहानी को आप लिख सकते हैं या अपनी तरीके से कोई और कहानी बना सकते हैं, या इनमें से कुछ वर्ड्स अगर आपको ऐड करने हैं कहानी में तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये कहानी लिखी है बच्चों। तो हमने इन शब्दों का प्रयोग कर और इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनाई। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यही थी। देखा ना आज की वर्कशीट कितनी मजेदार थी, जिसमें हमने कहानी बनाई चित्रों को देखकर। तो कैसी लगी बच्चों आपको आज की वर्कशीट 142? और अगर आपको आज की वर्कशीट में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।